2 अगस्त को रिलीज होने जा रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की फिल्म, और उस फिल्म का नाम है जबरिया जोड़ी। भाई इस फिल्म का एक टाइटल सुनकर ही हर कोई हैरान रह गया कि किस तरह का होगा इस फिल्म का ये कॉन्सेप्ट, जो कि ट्रेलर के जरिए आ चुका है सामने। और ऐसे में आपको पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसके ट्रेलर लॉन्च में देखने को मिला है काफी अच्छा बॉन्ड सिद्धार्थ और परिणीति का, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा हो गया था कि खूब बातें अब उठ रही हैं। दरअसल ट्रेलर लॉन्च के दौरान जहां खूब सारी मस्ती पूरी कास्ट कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जब ट्रेलर लॉन्च का अंत हुआ तो वहां पर परिणीति और सिद्धार्थ मीडिया वालों के सामने खड़े थे, फोटोज क्लिक करवा रहे थे और काफी ज्यादा अच्छे पोजेस दे रहे थे। लेकिन इस बीच परिणीति मना कर रही थी सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक चीज करने से, और वो था उन्हें उठाना। लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने और सीधा ही उन्होंने उठाकर 3-4 चक्कर लगा लिए परिणीति के साथ। परिणीति को ये बात पसंद आई नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया वालों के सामने वो मुस्कुराती रही, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थी कि उन्हें ये चीज पसंद आई नहीं। बल ये तो अक्सर देखने को मिल ही जाता है कि काफी हीरोइंस ऐसी हैं जो इस सभी हरकतों से थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है, लेकिन हीरो उनके साथ कुछ ऐसा कर ही बैठते हैं और वो हीरोइन हो जाती है एम्बैरस काफी ज्यादा। लेकिन चलिए छोड़िए, इस बारे में बाद में करेंगे, लेकिन बताते हैं सबसे पहले आपको कि आखिर जबरिया जोड़ी जो ये ट्रेलर रिलीज हुआ है को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोई इसे पसंद कर रहा है तो कोई नहीं, और पसंद करने वाले सिर्फ वो हैं जो सिद्धार्थ और परिणीति के फैन हैं, जो इस जोड़ी के फैन हैं। अब ऐसे में फिल्म का कॉन्सेप्ट भले ही अच्छा हो, लेकिन हर कोई जानता है कि फिल्म फी की जरूर पड़ने वाली है। सिद्धार्थ और परिणीति के इस फिल्म का कॉन्सेप्ट पकड़वा शादी यानी कि जबरिया शादी पर है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में होता है, जहां पर दूल्हे को पकड़ के लाया जाता है जबरदस्ती शादी करने के, और उसके पीछे की वजह होती है ताकि दहेज ना देना पड़े। वेल कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, और ऐसा होना भी चाहिए, खामखा दहेज देकर कितनी लड़कियां फंस जाती है और उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और ऐसे में बिहार उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो ये अच्छी बात ही निकलेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं सिद्धार्थ और परिणीति। वेल बता दें आप सभी को यहां ये भी कि इनके अलावा इस फिल्म में नजर आने वाले हैं जावेद जाफरी, अपार शक्ति खुराना, और इसी के साथ नजर आएंगे संजय मिश्रा भी। वेल जहां इतने बेहतरीन एक्टर हैं इस फिल्म में, तो शायद ये फिल्म अच्छी फिल्म साबित भी हो सकती है। और देखना होगा कि जब 2 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर, सिनेमा घरों पर, तो ये कितना अच्छा कलेक्शन करती हुई सामने आती है और क्या इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिल पाता है। लेकिन ट्रेलर को देखकर आपका क्या कहना है, फिल्म कितनी हिट होगी और कितनी फ्लॉप, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।